3, 2, 1। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि tan a बराबर 1/2 है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। हल यहाँ से tan a का मान दे रखा है 1/2, तो हो जाएगा tan a बराबर 1/2। tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, लिख देंगे हम लंब बटा आधार। चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, यहाँ पे कोण बी 90 अंश का कोण है, इसलिए इसके सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण, और यहाँ पे जो टेन के साथ कोण लिया गया है वो है कोण ए, इसलिए बंदर बैठ जाएगा कोण ए पर। जहाँ पर बंदर बैठता है उसे कहते हैं हम आधार, ये हो गया आधार, और ये हो गया हमारा बी सी लंब। यहाँ पे लंब के सामने लिखा हुआ है 1, तो लंब का मान हो जाएगा 1, और आधार के सामने लिखा हुआ है 2, इसलिए आधार का मान हो गया 2। यहाँ पे कर्ण का मान नहीं दिया गया है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का मान नहीं दिया हो तो कर्ण हम मान लेते हैं ए से लेकर सी तक, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, आधार है 2, लिख देते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस लंब का मान दे रखा है 1, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 5। यहाँ से ए सी का स्क्वायर हटाने पे 5 का रूट लग जाएगा, तो ए सी बराबर हो गया √5। यहाँ से ए सी कर्ण भुजा आ गई है √5। हमें मान निकालना है साइन ए का, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से लंब का मान दे रखा है 1 और कर्ण का मान आया हुआ है √5, इसलिए साइन ए का मान हो जाएगा 1/√5। प्रॉब्लम। जय हिंद।